मेथी के मुठिये बनाने के लिए करकरा गेहूं का आटा, चने का आटा, पिसी हुई शक्कर, नमक, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, चिली पेस्ट, हींग, टर्मरिक पाउडर और मेथी की भाजी। भी स्टार्ट करते हैं। 5 टेबलस्पून करकरा गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून चने का आटा, 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, 1 नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून चिली पेस्ट, 1 कप मेथी की भाजी बारीक कटी हुई। टू टीस्पून तेल, 1/2 टीस्पून अखा धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ, दोनों को मैंने करकरा कूट लिया है। अब हम उसको मिक्स करेंगे। छोटे छोटे मुठिये बनाएंगे। अब हम उसको फ्राई करेंगे गरम तेल में। स्लो आंच पे उसको फ्राई करने का है। आप देख सकते हैं अभी ये गोल्डन हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम इसको गैस बंद करते हैं। सुरती उंधियू बनाने के लिए ये सुरती पापड़ी, उसको साफ करके छील के धो के मैंने रखा है और इसमें तुअर का 1/2 कप दाना, लीलवा आता है वो, और मटर के 1/2 कप दाने, ये है, ये हरा लहसुन आता है उसका ऊपर का पार्ट, उसका ऊपर का पार्ट उसको इस तरह से साफ करने का है। ये निकाल के फिर उसको ऐसे छीलने का है। इनको धो के बारीक बारीक ये काट के रखा है हरा लहसुन, और इसका जो व्हाइट पार्ट आता है ये
और उसमें 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स वो डाल के और 1 टेबलस्पून सिंग दाना वो डाल के उसका मैंने पेस्ट बनाया है। अजवाइन, ड्राई कोकोनट पाउडर, ग्रेटेड कोकोनट, तल, सेसमी सीड्स, शक्कर पिसा हुआ, ग्रीन चिली पेस्ट, हींग, हल्दी पाउडर, कुकिंग सोडा, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, नमक, कोरिएंडर लीव्स, आलू, 2 आलू मैंने छील के उसको मोटे टुकड़े में काट के रखा है, और ये हरे बैंगन 4 नंग, और ये रतालू उसको बोलते हैं, पर्पल कलर का जो कंद आता है वो, उसको मैंने छील के धो के रखा है। अभी हम इस सब का मसाला बनाएंगे। पहले हम कुकर में ये पापड़ी लेंगे, तुअर का दाना और मटर, इसमें हम ये आलू डालेंगे, रतालू को बड़े टुकड़ों में काट के डालेंगे, बैंगन को हम इस तरह से 2 चीरा लगाएंगे, इस तरह से, अब हम उंधियू का मसाला बनाएंगे। उसमें ये हरा लहसुन का वाइट पार्ट, कोरिएंडर लीव्स और सिंगदाना की पेस्ट बनाई है वो लेंगे, 1/2 कप जितनी है। चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, पिसी हुई शक्कर, फोर टीस्पून, 1 टेबलस्पून तल, 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट, 1 नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, कुकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, ये हरा लहसुन जो मैंने बारीक काट के रखा है वो 1/2 कप जितना डाल देंगे, बाकी का डेकोरेशन के लिए रखते हैं। कोरिएंडर लीव्स 1/2 कप,
अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। हमने जो मुठिया फ्राई किया है वो ही तेल यूज करने का है, क्योंकि इसमें मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इस मसाले को पहले थोड़ा टेस्ट करके देख लेने का, ताकि नमक मिर्ची सब पता चल जाए। ये मसाला अब हम बैंगन में थोड़ा भरेंगे। इसमें आप चाहे तो वो शकरकंद डाल सकते हो, स्वीट पोटैटो आता है वो, कच्चा केला डाल सकते हो। अभी हम गैस ऑन करेंगे। ये सारा मसाला जो है इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम तेल डालेंगे। अभी हमने 3 टेबलस्पून डाला है। इसको हम मिक्स करेंगे। आज हम कुकर में बना रहे हैं, इसको पैन में भी बना सकते हो, लेकिन पैन में उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको थोड़ी देर सौते करने का है, 2-3 मिनट तक हम उसको सौते करेंगे। ये सौते हो रहा है, अभी हम उसमें ये बैंगन डाल देंगे। सारी सब्जियां कितनी हरी हरी दिख रही है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। और ये फ्राई किया हुआ मुठिया उसके ऊपर रख देंगे। अगर चाहे तो आप मुठिये को उंधियू रेडी हो जाने के बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन तभी वो एकदम ऐसा थोड़ा कड़क रहेगा, सॉफ्ट नहीं होएगा। अगर इसमें डाल देंगे तो अच्छे से मुठिया भी सॉफ्ट हो जाएगा।
अभी हम ढक्कन बंद करके 4 सीटी लगाएंगे। चार सीटी बजने के बाद कुकर को हमने थोड़ा ठंडा किया और अभी हम खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा उंधिया अभी रेडी है। अभी हम उसको सर्व करेंगे। अभी हम उसके ऊपर हरा लहसुन कोरिएंडर लीव्स और ड्राई कोकोनट से उसको गार्निश करेंगे।